Okay, so very good morning, guys. It's 10:43 in the morning. Not just अभी भी मैं सो के उठा है यार. कल रात में मैं 1 बजे सोया. मैंने कसम खा ली थी कि भाई अब आज मैं ये वाली वीडियो में एडिट करके रहूँगा. तो मैं कल रात में 1 बजे सोया, और 1 बजे सोने की वजह से क्या हुआ कि अभी से हम उठे हैं समय मतलब 10:30 बजे के लगभग. तो चलो अभी देखते हैं भाई बाहर का मौसम कैसा है. और बाहर आने के बाद ये समय पता चल रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए भी बहुत धूप अभी आई थी. अभी फिर से अभी हल्की हल्की आ रही है, लेकिन फिर अभी चली जाएगी. क्या मतलब बनता है, इस समय मैं हूँ शर्मा जी, क्या मतलब इस समय मैं हूँ हजरतगंज में, और हम यहाँ पर आए हैं चाय पीने यहाँ पर. चलो अभी हम अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर तुम लोग मिलते हैं. बारिश में ये खेल होता है कि भाई पूरी बाइक जो होती है गंदी हो जाती है. लोगों की बारिश में बाइक धुलती है या गाड़ी धुलती है, मेरी गाड़ी गंदी हो जाती है. पता नहीं कहाँ से तेल लीक हो रहा है, लेकिन इधर का मामला गंदा पड़ा हुआ है. इसको ऐसी अभी छोड़ दो, जब बारिश जब खत्म हो जाएगी और मतलब धूप वूप थोड़ा निकलना चालू हो जाएगी ना, तभी हम जाके अपनी बाइक धुलवा देंगे. इस समय 3 बजने वाला है, और मुझे ना इस समय डर लग रहा है कि भाई साहब दोबारा बारिश ना हो जाए, क्योंकि इधर काले काले बादल इधर आ रहे हैं. पूरा जो एरिया है पूरा काले काले बादलों की तरफ से घेरा हुआ है. अगर बारिश हो जाएगी यहाँ पर भाई मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी. हम भी यहाँ से निकलते हैं भाई, बारिश हो जाएगी क्या करेंगे फिर. भाई मैं उस चाय वाले का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैं उसकी चाय बेसिकली मैं पी नहीं पाया है ना. वो जो चाय वाले जो यहाँ पर नहीं आते लेमन टी वाला. इस समय शाम के समय 6:43 इस समय हो रहा है. मैं कैमरा पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा है. मैंने तुम लोगों को कुछ ब्लॉग पहले मैंने बताया नहीं था कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है. सामने इस समय मतलब आंदोलन चल रहा है उस तरह. वहाँ पर अगर तुम लोगों को नहीं पता है ना, वहाँ पर 1090 का मतलब वो है, मतलब कुछ तो है, हेडक्वार्टर है क्या है, मतलब उसी तरफ से ही मुझे आवाज आ रही है धरने की. यहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट यहाँ पर चला पड़ा है. भाई साहब कुछ भी चलता रहता है यार यहाँ पर. ओके, सो मैं इस समय 1090 चौराहे पे खड़ा था, और ये हमें भैया मिले उत्कर्ष शुक्ला, इनका नाम है ना. इन्होंने भी मतलब अपना YouTube चैनल, मैं कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, इन्होंने भी अपना YouTube चैनल नया नया अभी स्टार्ट किया है. अभी कुछ 126 ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं. 128. और ये प्यारा सा बच्चा इनका, दूर से आया बच्चा है इनका. हेलो हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय. तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम अभी 7 में. नर्सरी. अच्छा, तो भैया को ना एक कैमरा लेना था. भैया अभी अभी कैनन के स्टोर से अभी होके अभी आ रहे हैं, वहाँ से 90D अभी लेके आ रहे हैं. मतलब अभी वहाँ से होके आ रहे हैं, अभी लिए नहीं है, अभी ले लेंगे जल्दी. तो वही हम भी ब्लॉग कर रहे थे, भैया ने देखा तो आ गए यहाँ पर पूछताछ करने. कोई अगर सामने से पूछताछ करने आता है, पहले मुझे ये लगता है भाई वो पहले पूछने के आ रहा है, उसको पहले ब्लॉगिंग पता भी है नहीं पता है ना. मतलब काफी लोगों के साथ ऐसा होता है जो समझ कर क्या रहे हो, हाँ क्या रहा है, समझ नहीं पाते भाई. काफी लोग ऐसा होता है कि भैया अभी कर ही रहे हैं. भैया ने भी अपना YouTube चैनल अभी स्टार्ट किया है. तो हम लोग ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बैठ के गपशप कर रहे हैं. अच्छा, भैया बता रहे थे ना, भैया जानकीपुरम की साइड रहते थे. तुम लोगों को याद है मैंने तुम लोग पिछले कुछ ब्लॉग पहले मतलब पिछले साल मैंने बताया था कि भाई साहब वहाँ पर लेपर्ड आया था, तेंदुआ आया था. आपका क्या एक्सपीरियंस है तेंदुआ, कुछ मतलब खौफ वौफ कुछ रहा नहीं? रहा नहीं, खौफ तो लोगों में है, बहुत ज्यादा है, डेली न्यूज में आ रहा है. अभी भी पकड़ा नहीं गया, अभी भी पकड़ा नहीं गया है. कई लोगों को घायल भी कर चुका है, लेकिन हम लोग जैसे सहारा स्टेट में रहते हैं. खौफ का क्या है ना भाई, तेंदुए का खौफ इंदिरा नगर में भी है, मतलब जहाँ पर मैं बेसिकली रहता हूँ वहाँ पर भी लेपर्ड का खौफ है. कल्याणपुर है ये पूरा टेढ़ी पुलिया से लगा के उस साइड का, और जानकीपुरम का एरिया. कभी 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 क्या होता है ना, जैसे फेक न्यूज भी बहुत सारी होती है, लेकिन फेक नहीं है, रियल है. हाँ, वो मतलब तो रियल दिखा है, भी है. लेकिन फेक न्यूज कभी ये निकल रही थी कि वो उधर क्या मेरे साइड में आ गया, मुंशी पुलिया की साइड में सेक्टर 16-17 में आ गया, भाई मेरी फटके में चार हो गई थी. मतलब होता है ना, खौफ एक आ जाता है कि हाँ यार अगर आगे सामने क्या होगा. सोच रहे हैं कि अगर आ भी जाए मेरे सामने तो एक बार दो हाथ हो जाएंगे उससे. सोच रहे हैं. मैंने तो सोचा हुआ है यार, अगर आ जाएगा मैं उसको एक मोटा सा एक चिकन एक पकड़ा दूंगा, वो चिकन खाया भाई, बाय बाय तुम निकल जाओ हमारे पास, हमारे मत आओ. कहाँ से आया, कहाँ चला गया? लोग कहते हैं कि उधर जंगल साइड से आ गया है. वो पकड़ा भी नहीं है अभी तक नहीं पकड़ा गया. वो ऐसी घूम रहा है भाई, वो मतलब टीम लगी हुई है लेकिन पकड़ नहीं पाई. एक बार तो जाल से निकल गया. हाँ, वो जाल से निकल गया था. बहुत सारी वीडियो चल रही थी यहाँ पर भाई लखनऊ में. सो चलो अभी भैया को भी अभी जाना है ना. सो हम भैया को अभी अलविदा कहते हैं.
करते हैं। चलिए भैया, चलिए चलिए, ठीक, बाय बाय। मतलब बहुत ही अच्छे नेचर के भैया थे, मतलब हमसे ऑब्वियसली बड़े थे, उनकी शादी वादी हो चुकी है, हमारी तो अभी कुछ भी नहीं हुई है ना, मतलब बता रहा हूँ मैं उनसे, है ना, ऐसी कोई इच्छा इच्छा नहीं है भाई, बता रहा हूँ फिर। तो भाई हम लोग आपस में एकदम मस्त एकदम बातें की है यहाँ पर। अभी क्या है भाई, अभी चाय वालों तो अभी आया नहीं, मैं अभी क्या करता हूँ ना, इस समय इससे पहले कि ठंडा यहाँ पर बढ़ जाए, हम भी निकलते हैं अपने घर। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं भी निकलता हूँ अपने घर, है ना, और मैं तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, है ना। और भाई तेंदुए से सतर्क रहे, सावधान रहे तेंदुए से। तो चलो, बाय बाय।